हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आया हूँ छोटे छोटे बच्चों के लिए पंचतंत्र की एक और कहानी, हाथी और खरगोश की कहानी। सुनेंगे आप लोग? सब लोगों को पता है कि जो जानवर जंगलों में रहते हैं उनको हर वक्त किसी ना किसी मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि वो जानवर जो होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब जैसे हाथी है या शेर है या और भी जंगली जानवर हैं, उनको पानी पीने के लिए किसी नदी या तालाब में जाना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए उनकी मम्मी या पापा ने वो घर में बूस्टर पंप नहीं लगा रखे, तो उनको पानी पीने के लिए अक्सर तालाबों और नदियों की तलाश करनी पड़ती है। तो एक बार ऐसा हुआ कि सूखा पड़ गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो सूखा पड़ा। उस सूखे के कारण बहुत सी नदियाँ तालाब सूखने लगे, जमीन बंजर होने लगी। जब आसपास के तालाब सूखने लगे तो सबसे बड़ी मुसीबत जो थी वो हाथियों के लिए हो गई, क्योंकि हाथी जो होते हैं वो झुंड में रहा करते हैं और उनको खाने के लिए तो बहुत ज़्यादा चाहिए ही होता है, लेकिन हर शाम को पानी भी उनको पीना पड़ता है। वो एक बार सुबह पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद शाम को एक बार जरूर पानी पीते हैं वो। तो जब सूखा पड़ गया, आसपास के तालाब नदियाँ सब सूखने लगे, तो बहुत दूर दूर तक पानी मिलता नहीं था। तो उनमें से एक हाथी था जो थोड़ा बूढ़ा था, उसका नाम था चतुर्दंत। अब चतुर्दंत का भी परिवार बहुत बड़ा था। चतुर्दंत ने ये सोचा कि ये बहुत पानी की किल्लत हो गई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि परिवार के लोग एक एक करके कमज़ोर होते जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग इसमें से स्वर्ग सिधार जाएं, कुछ लोग मर जाएं, तो पानी की तलाश की जाए। बहुत देर तक सोचने विचारने के बाद उसको ध्यान आया कि थोड़ी सी दूर पर एक तालाब है जहाँ बूढ़ी गंगा बहती है, और उसमें पानी हर वक्त रहता है, क्योंकि वो थोड़ा पहाड़ी से नीचे उतर के जाना पड़ता है उसके लिए। तो वो जो चतुर्दंत था वो अपने परिवार को लेकर चल पड़ा। 5 दिन तक वो लोग चलते रहे, उसके बाद वो उस तालाब के किनारे पहुंच गए जहाँ बहुत सारा पानी था। अब वो वहाँ जो पानी था उसको देखकर चतुर्दंत का जो परिवार था वो बहुत खुश हो गया। दिन भर वो उस तालाब में नहाते रहे, खेलते रहे, बच्चे बहुत उन्होंने आनंद उठाया, बहुत एंजॉय किया। क्योंकि उस तालाब में पानी बहुत ज़्यादा था तो उसके आसपास जो मिट्टी थी वो थोड़ी सी नरम थी, थोड़ी सी पोली जिसको कह सकते हैं आप, उस पोली मिट्टी में बहुत सारे खरगोश रहा करते थे। हाथी जब वहाँ गए और उन्होंने दिन भर वहाँ बहुत एंजॉय किया, तो हाथियों के पैरों के नीचे बहुत सारे खरगोशों के घर दब गए, कई सारे खरगोश उस उनके वजन से दब गए, कई खरगोशों की हड्डियाँ टूट गईं, कईयों को चोटें लगीं, कई खरगोश हाथियों के नीचे कुचले गए, बहुत सारे खरगोश मर गए। उनमें छोटे बच्चे भी थे, बड़े भी थे, तो खरगोशों ने को बड़ी समस्या हो गई।
उन सब ने, सब खरगोशों ने मिलकर एक मीटिंग करी। उस मीटिंग में ये तय किया गया कि भाई अब चूँकि यहाँ हाथी आने शुरू हो गए हैं, तो हाथी जो हैं ये जब आएंगे तो हमारे परिवार में से तो कई सारे लोग मर जाया करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा जानवर है, इनके नीचे बहुत सारे लोग हमारे दब चुके हैं। तो कई लोगों ने, कई खरगोशों ने ये सलाह की कि इस जगह को छोड़कर कहीं और जाकर बसा जाए, लेकिन जो पुराने खरगोश वहाँ रहते थे उन्होंने बड़ा विरोध किया कि हम अपने दादाजी की ज़मीन छोड़ के क्यों जाएं, हमारा बचपन यहाँ बीता है, हमारे पापा यहाँ बड़े जवान हुए हैं, हम तो इस जगह को छोड़ कर नहीं जाएंगे। उनमें एक खरगोश था, वो बहुत चालाक था, उसके कान लंबे थे, उसका नाम था लंबकर्ण। लंबकर्ण ने कहा कि मैं कोई ना कोई युक्ति लगाता हूँ, तो सब उसकी बात सुनने लगे। उन्होंने मिलके जो सलाह की कि भाई हाथियों को कैसे करके दूर किया जाए, तो लंबकर्ण ने कहा अच्छा तुम लोग चिंता नहीं करो, मैं उसका कुछ उपाय करता हूँ। तो ये लंबकर्ण जी महाराज जो थे ये शाम से ही जाकर उस टीले पे बैठ गए। रास्ते में एक टीला था जहाँ से होकर हाथी आते थे, उस टीले पे इंतज़ार करने लगा लंबकर्ण, जैसे ही हाथी आएंगे मैं उनसे बात कर लूँगा। आखिर इंतज़ार करते करते हाथी आए, और उनमें वो जो सबसे बड़ा हाथी था चतुर्दंत, वो सबसे आगे था। तो चतुर्दंत को वहीं रोका लंबकर्ण ने, जो खरगोश था। खरगोश ने कहा देखो देखो ये तुम जो जहाँ जा रहे हो नीचे वो जो तालाब है ना, वो चंद्रमा का तालाब है, तो चंद्रमा भगवान ने मना किया है कि तुम लोग वहाँ मत जाया करो, क्योंकि जब तुम लोग वहाँ जाओगे तो चंद्रमा भगवान को बहुत गुस्सा आ जाएगा, वो तुम लोगों का विनाश कर देंगे। तो हाथी ने बोला कि अच्छा चंद्र भगवान तुम्हें कहाँ मिल गए? बोला वो नीचे जाकर देखो तालाब में वो बैठे, तालाब में हैं। बोला अच्छा तालाब में हैं, तो चलो मैं भी दर्शन कर लेता हूँ और जाके उनसे माफ़ी मांग लूँगा, बात कर लूँगा। तो ये खरगोश जी महाराज जो थे वो चतुर्दंत को लेकर उस तालाब पे आ गए। अब तालाब पे जैसे ही पहुँचे, क्योंकि शाम का समय था, तो चंद्रमा जो थे उनका बिंब, उनकी जो छवि थी वो गंगा नदी से नज़र आ रही थी। तो लंबकर्ण ने चतुर्दंत जो हाथी था उसको दिखाया कि वो देखो चंद्रमा बैठे हैं, आप उनसे बात करो, उनसे माफ़ी मांग लो। हाथी ने सोचा कि हाँ ये तो सच में चंद्रमा या नीचे बैठे हुए हैं। हाथी जी महाराज ने हाथ जोड़े, उनसे क्षमा मांगी और ये कहा कि प्रभु जी अगर हमारे आने से कोई आपको दिक्कत हुई है तो मैं यहाँ अब के बाद नहीं आऊँगा। ये कहकर वो जो चतुर्दंत था अपने परिवार को लेकर वहाँ से चला गया। इसी तरह खरगोश जी महाराज ने अपनी और अपने परिवार वालों की और अपने पूरे खरगोश बिरादरी की, पंचतंत्र की मेरी जो और भी कहानियाँ हैं वो सारी की सारी आपको मेरा जो पॉडकास्ट का पेज है उससे मिल जाएंगे। आप लोग मेरे यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों को सुना कीजिए, और आप मेरे पॉडकास्ट को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं मेरे पॉडकास्ट पर भी। आज के लिए इतना ही, बाय।